गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में आता है सेल्फ इंडक्शन। देखिए, सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है जो स्वतः अपने आप से इंड्यूस हो जाए। तो पहले इसके लिए हम फैराडे के रूल पे जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि एक क्वाइल है। ये देखिए, मैंने एक क्वाइल बनाई है। तो क्वाइल में करंट हमने प्रोड्यूस कर दी, मतलब करंट हमने स्टार्ट कर दी चलना। तो ये रिहोस्टेट लगा होता है। रिहोस्टेट का काम होता है करंट को घटा बढ़ा सकते हैं लोग, उसकी स्ट्रेंथ को घटाना बढ़ाना कर सकते हैं इस रिहोस्टेट से। ये बैटरी लगी हुई है, यहां से करंट फ्लो कर रही है, ऐसे ऐसे करंट जा रही है। ठीक, अब दो चीजें समझते हैं। अगर ये करंट परमानेंट वही है, जैसे मान लीजिए हमने इसको एक करंट दे दी, उसको मेन करंट हमने नाम दिया है, और उस मेन करंट को हमने 2 एम्पीयर पे स्टार्ट कर दिया, तो इस क्वाइल में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये है, इसमें जो है ये करंट, ये क्वाइल है। इस क्वाइल में क्वाइल ऐसी बनी हुई है, इसमें राउंड राउंड हमारे वायर हैं, तो उसमें करंट हमारी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हमने जो सप्लाई वाली करंट है उसको कॉन्स्टेंट रखा, तो इसके अंदर कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं होगी। इसके अंदर फील्ड क्रिएट तो होगी ही होगी, क्योंकि किसी भी वायर के चारों तरफ फील्ड होती है। ये आपको मालूम है राइट थंब रूल से, अगर करंट फ्लो कर रही है तो उसके चारों तरफ फील्ड हमारी क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह जो इसमें क्वायल है, ये जो क्वायल ऐसे हमने बनाई है, उस क्वायल के बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। आगे ऊपर भी रहेगी, लेकिन वो चूंकि खाली जगह है तो उसको इतना स्ट्रेंथ उसमें नहीं आएगी, लेकिन बीच वाले पार्ट में, यानी कि क्वाइल के बीच में हमारे पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि अब अपनी मेन करंट को इंक्रीज किया, मतलब मेन करंट जैसे 1 एम्पीयर थी तो उसको 2, 3, 4 मतलब बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब हम बढ़ाएंगे, तो आपने फैराडे के रूल में पढ़ा है कि अगर हम फ्लक्स, देखिए अगर फ्लक्स में आप चेंज करते हैं, देखिए जब आपकी मेन करंट इंक्रीज करेगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। इस क्वाइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट थी वो भी अब बदल जाएगी, यानी बदलती हुई नजर आएगी आपको, बदलेगी। तो जब वो चेंज होगी, तो आपने पढ़ा है कि जब कोई भी कहीं भी फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, फ्लक्स चेंज होता है, तो वहां करंट जनरेट हो जाती है, अपने आप इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाती है। यही फैराडे का प्रयोग था, यही फैराडे ने बताया था कि जब हम चेंज करते हैं फ्लक्स में तो करंट इंड्यूस्ड हो जाती है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, यानी वोल्टेज जनरेट हो जाता है। तो यहां हम समझेंगे कि ये क्वायल है, इस क्वायल में हमने मेन करंट डाली और वो इंक्रीज कर दी। देखिए यहां मैंने लिखा हुआ इंक्रीज्ड, यानी बढ़ा रहे हैं। तो जब बढ़ा रहे हैं तो इस क्वायल में अपने आप एक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फैराडे रूल, और वो हमेशा लेंज के रूल के हिसाब से मेन करंट का अपोज करेगी। अगर हमारी मेन करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो यानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इसके इसमें जो आपके क्वाइल में करंट इंड्यूस्ड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लेंज लॉ ने यही बताया था कि जब आपकी जो करंट इंड्यूस होती है वो उसका अपोज करती है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है। अब यहां पर मुद्दे की बात समझिए कि अगर इसी मेन करंट को हम इंक्रीज की जगह डिक्रीज करें, देखिए फैराडे ने कहा था चेंज करना है, तो आप चाहे इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें। अब अगर मेन करंट को हम डिक्रीज करते हैं, तो जब मेन करंट डिक्रीज होगी, डायरेक्शन वही, देखिए समझिए, यहां डायरेक्शन वही है, यहां भी डायरेक्शन वही है, हमने पोलरिटी नहीं बदली इस सेल की, डायरेक्शन वही, लेकिन वो हम कम कर रहे हैं। जैसे 10 थी तो 9, 8, 7, 5, 6 इस तरह कर रहे हैं। तो जब ऐसा करने लग जाएंगे तो जो करंट इंड्यूस्ड हुई है वो अब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फैराडे और स्टोन वैज्ञानिक जो थे उन्होंने यही बताया था कि ये अपना नेचर चेंज करती है, या लेंज भी समझ लीजिए, क्योंकि मेन करंट को डिक्रीज कर रहे हैं तो वो जो इंड्यूस्ड करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी और वो उस मेन करंट के डिक्रीज होने का अपोज करेगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगी। इसी घटना को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। इसी घटना को जो हमने ये किया, जो करंट इंड्यूस्ड हो गई, इसी ये जो घटना है, फिनोमेना है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन।
तो सेल्फ इंडक्शन की डिफिनेशन क्या बनी कि इट इज अ फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच इफ वी चेंज द मेन करंट इन द क्वाइल देन एन इंड्यूस्ड करंट सेटअप विच अपोज द डायरेक्शन ऑफ मेन करंट। तो ये एक बुक्स में लिखा होगा, आप समझ सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आसानी से उसको आप डिफिनेशन समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है भाई सेल्फ इंडक्शन क्रिएट होगी तो कितनी, तो ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो अब समझें कि मान लीजिए इस कॉयल में एन नंबर ऑफ कॉयल्स हैं, है ना, ये जाने कि लेट एन नंबर ऑफ कॉयल्स हैं और इसमें हमने करंट फ्लो कराई आई, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाते जाएं तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा, हमारा फ्लक्स जो है चेंज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपका मान लीजिए फ्लक्स फाई इसमें आता है, पहली बार आपने करंट प्रोड्यूस करी, इंड्यूस्ड मतलब करंट मेन करंट आपने इंक्रीज करी तो फ्लक्स क्रिएट होता है फाई। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। अगर मान लीजिए 10 टर्न है, 10 टर्न की कॉइल है तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। देखिए फ्लक्स उतना ही आप चेंज कर रहे हैं लेकिन डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर। देखिए कैसे, समझिए इस चीज को समझिए, मान लीजिए आपका फ्लक्स कुछ भी हो रहा है, 2 वेबर 3 वेबर कुछ भी चल रहा है, वो आपकी करंट आप इंक्रीज करी 1 से लेकर 10 तक तो आपका फ्लक्स जो है जो आया वो आया, ठीक है। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा रहे हैं उसी कंडीशन में, नंबर ऑफ टर्न्स आपने बढ़ाते चले गए थोड़ी देर बाद, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो आपकी फ्लक्स की जो वैल्यू है वो बदल जाएगी, स्ट्रेंथ फ्लक्स की बदल जाएगी। तो अगर हम मान लें कि एन नंबर ऑफ टर्न्स, अब यहीं पर सब कुछ यही रहता, आपकी मेन करंट वही रहती, सेल वही रहता, रिहोस्टेट उतना ही बढ़ाता, लेकिन यहां पर दो ही कॉइल होती तो फ्लक्स कम क्रिएट होता। लेकिन अगर आपने फ्लक्स बढ़ाया यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो आपकी करंट जो है इंड्यूस्ड हो जाएगी, ज्यादा इंड्यूस्ड हो जाएगी। तो अब देखिए यहां पर ये जो है इसको हम हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट जोड़ेंगे और उस कॉन्स्टेंट को हम बोलते हैं कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। देखिए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, L इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। अब यहां चूंकि हमें मालूम करना है कि L क्या होगा, L क्या होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट का नाम होता है कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये लिखा हुआ है यहां पर, दिस इज कॉल्ड कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब हम कहें कि नहीं हम चाहें इसको डिफाइन करना चाहें, स्कूल में एग्जामिनेशन में अगर डिफिनेशन इसकी पूछी जाती है या हमको समझना है तो हम पहले शुरुआत करते हैं कि करंट अगर 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर करंट है, आई की वैल्यू अगर 1 एम्पियर है तो बच्चों क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एन फाई के। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किसी भी कॉइल का किसके इक्वल होता है, फ्लक्स लिंकेज का मतलब ये जो एन है ना, जितना लिंक होगा, मतलब जो एन फाई का मतलब होता है फ्लक्स लिंकेज, यानी कि मतलब उस उन क्वाइल्स में कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, कितना अंदर आ रहा है। तो अगर हम वो देखें कि एक किसी भी क्वाइल की 100 टर्न है उसमें देखिए कोफिशियंट उसका सेल्फ इंडक्शन कितना क्रिएट होगा, तो वहां पर हम 1 एम्पियर की करंट ले ले, अगर 1 एम्पियर करंट लेने से जितना फ्लक्स क्रिएट होता है, फ्लक्स लिंक होता है, उसी की वैल्यू को ही कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ये इसकी एक डिफिनेशन हो गई। अब इसको हम ईएमएफ के टर्म में भी हम समझ सकते हैं। देखिए अब ईएमएफ के टर्म पे आप समझिए, थोड़ा सा यहां मैं साफ कर देता हूं इसको, तो आप ईएमएफ के टर्म पे इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हमें अच्छी तरह पता है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हम जानते हैं कि क्या होता है। देखिए फैराडे ने बताया था कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो होता है एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये आपने पढ़ा है फैराडे के रूल में, एन डेल्टा फाई अपॉन टी, एन नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल के, ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है। अगर हम इस देखिए माइनस साइन क्या शो करता है, ये डायरेक्शन शो करता है कि जो लेंज का जो रूल है, वही जो मैंने आपको बताया था मेन करंट बढ़ाएंगे तो इंड्यूस्ड करंट जो है उस हिसाब से
घटे पढ़ेगी, मतलब डायरेक्शन चेंज होगा। तो माइनस साइन अगर हम निगलेक्ट कर दें थोड़ी देर के लिए तो, और एन को अंदर कर दें तो क्या लिख सकते हैं, एन फाई अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए एन फाई हमारा क्या है, एन फाई हमारा क्या है, एन फाई है देखिए इस वाले में, देखिए एन फाई की वैल्यू किसके बराबर, एल आई के। तो यहां पर एन फाई की जगह क्या लिख दें, डेल्टा एल आई अपॉन डेल्टा टी बराबर। अब चूंकि एल तो कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, बदलेगा क्या करंट, करंट आप घटाए बढ़ाएंगे तो वो ईएमएफ क्रिएट होगा। अब देखिए ये वाली वैल्यू ये है करंट, रेट ऑफ करंट, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ, क्योंकि टाइम के साथ अगर किसी भी क्वांटिटी का डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ करंट। तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ करंट। और अगर रेट ऑफ करंट, रेट ऑफ करंट हमारी 1 एम्पियर हो जाए पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए, यानी किसी क्वाइल को, कोई क्वाइल ले लीजिए, कोई क्वाइल ले लीजिए, अगर उसमें आप 1 सेकेंड में 1 एम्पियर के हिसाब से उसमें चेंज कर रहे हैं, डेल्टा का मतलब होता है चेंज करना, कि 1 सेकेंड में 1 एम्पियर चेंज हो रही है, ठीक है। अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर उसमें चेंज आ रहा है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो जब ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या चीज हो जाएगी, E की वैल्यू L के बराबर हो जाएगी। ई एल हम एक बार फिर से डिफाइन कर सकते हैं कि L किसी भी कॉयल का न्यूमेरिकली जो आपका EMF जनरेट होगा, यानी उसमें जो वोल्टेज जनरेट होगा कॉयल में, E वोल्टेज, वो L के बराबर होगा कब, जब उस कॉयल में हम 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट को चेंज कर रहे हैं। तो यू कैन से दैट कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन विल बी इक्वल टू ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, न्यूमेरिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इफ द रेट ऑफ करंट इज चेंजिंग बाय 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। देखिए यहां जो भी मैं बता रहा हूं, इसके बाद आपको अपना अपना बुक पढ़ेंगे, उसको समझेंगे तो आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां मैं बहुत थ्योरी नहीं लिखाने के उसमें रहता हूं, बस केवल कॉन्सेप्ट समझाना होता है मुझे, ज्यादा थ्योरी लिखाने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये जैसा डिफिनेशन है, जैसे डिफिनेशन जो आपको बोली मैंने, वो आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, समझी होगी, उसको आप उसी तरह से अपने हिसाब से लिख लेंगे। इसी तरह से ईएमएफ की जो दूसरी, सॉरी कोफिशिएंट सेल्फ इंडक्शन की जो दूसरी डिफिनेशन है, वो ईएमएफ के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। और दूसरी चीज, ये जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, इसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं हेनरी, यहां लिख देता हूं हेनरी होती है, और एच से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 मिली हेनरी अगर कहीं लिखा है तो उसको -3 हेनरी लिख सकते हैं, 1 माइक्रो हेनरी अगर कहीं लिखा है तो उसको हम 10^-6 हेनरी लिख सकते हैं। तो ये कन्वर्जन है और ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है बच्चों चीजें समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करें।